तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए मैं MDF बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो किसी और चीज़ का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। और फ्रेंड्स MDF बोर्ड का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे हमें चाहिए एक ICCD 4017 IC। फ्रेंड्स ये ऑफलाइन आपको 15 रुपये में आराम से मिल जाएगा। और तो फ्रेंड्स मुझे इसे इस प्रकार से चिपका लेना। फ्रेंड्स ये 16 पिनों की IC होती है, तो फ्रेंड्स इसको मैंने चिपका लिया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए यहाँ पे 12 वोल्ट का रिले, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रिले को भी इस प्रकार से चिपका देता हूँ। और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको इसका डायग्राम भी दूंगा बना के, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, इसके ये है, ये सब इनके पिन आउट है, 16 पिन की IC है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको वायर कनेक्ट करना है 15 नंबर, और 4 नंबर पिन पे इस प्रकार से वायर को कनेक्ट कर देना है। इसके बाद एक और वायर लेना है फ्रेंड्स, और इसको आपको कनेक्ट करना है 13 नंबर और 8 नंबर की पिन में, कुछ इस प्रकार से। फ्रेंड्स देख लीजिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स BC547 आपको एक ट्रांजिस्टर लेना है, और इसका बेस आपको छोड़ देना है, और एमीटर को और कलेक्टर पिन को आपको सोल्डरिंग कर देना है 16 नंबर और 14 नंबर पिन पे। इसके बाद आपको 10K का एक रेजिस्टेंस लेना है, और इसको आपको कनेक्ट करना है इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट पे, और इसको इस टाइप से लेके आपको कनेक्ट कर देना है IC के 8 नंबर पिन पे। तो फ्रेंड्स इसको मैं इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये कनेक्ट हो चुका। इसके बाद आपको एक और BC547 ट्रांजिस्टर लेना है, और इसके कलेक्टर पिन को आपको सोल्डरिंग कर देना है कुछ इस प्रकार से 8 नंबर पिन पे। तो फ्रेंड्स इसको मैं 8 नंबर पिन पे इस प्रकार से सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको लेना है 1K का एक रेजिस्टेंस, और इसके मैं पिन को काट देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और इसको 2 नंबर पिन पे आपको इस प्रकार से सोल्डरिंग कर देना है। और इस ट्रांजिस्टर का बेस वाला पॉइंट आपको कनेक्ट करना है इस प्रकार से रेजिस्टेंस पे। तो फ्रेंड्स ये कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको एक और वायर लेना है इस प्रकार से, फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे मैं थोड़ा बेंड कर दिया हूँ। एक और वायर लेना आपको रिले में कोइलिंग पिन पे कनेक्ट करना है, और इस टाइप से ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन पे इस टाइप से कनेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और वायर लेना है, और आपको यहाँ पर 16 नंबर की पिन पे कनेक्ट करना है, और इस टाइप से रिले के कोइलिंग वाले पिन पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। एंड फ्रेंड्स इसके बाद हमारा 80% वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स बाकी के 20% भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वायर लेता हूँ, जिसको मैं कोइलिंग वाले के बीच वाले पॉइंट पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ, और एक और वायर लेता हूँ, इसको मैं आउटपुट वाले पिन पे लगा देता हूँ इस प्रकार से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक IR फोटो डायोड LED चाहिए, और इस पे मैंने वायर कनेक्ट कर लिया। इसका पॉजिटिव वायर बेस पे कनेक्ट करना, और नेगेटिव वायर आपको 14 नंबर के पिन पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें बैटरी के आउटपुट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नेगेटिव वायर कनेक्ट कर रहा हूँ 8 नंबर के पिन पे इस प्रकार से, आप देख लीजिए। और यहाँ पे पॉजिटिव वायर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 16 नंबर की पिन पे। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर 16 नंबर की पिन पे बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया हूँ। एंड इसके बाद फ्रेंड्स अब हम इसके बॉडी को MDF बोर्ड की मदद से अच्छे से पैक कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने MDF बोर्ड के अंदर स्टेप से होल कर लिया, और फ्रेंड्स इसमें मैं पावर देने के लिए DC सॉकेट का यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स तो इस प्रकार से मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ। फ्रेंड्स इसमें जो होल थे मैंने पहले कर लिए थे, अगर आपको करके दिखाता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके आगे बढ़ाइएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो फ्रेंड्स इस देख लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स इन दोनों वायरों को हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स अब देख लीजिए, इसको इस टाइप से यहाँ पर हम ग्लू गन के हेल्प से चिपका देंगे। और इसी तरह से फ्रेंड्स हम इसके सभी पार्टों को इस प्रकार से चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, जिससे फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। और फ्रेंड्स इस प्रकार से इसे फटाफट में चिपका देता हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हो, वैसे आप इसे फेविकोल से चिपकाइएगा फ्रेंड्स, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर चलेगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर इस टाइप से जल्दी जल्दी चिपका देता हूँ। एंड फ्रेंड्स मैं आपको इसका डायग्राम भी इसी वीडियो में देने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, आप ज़रा सभी इसकी मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव को हम DC सॉकेट के नेगेटिव और पॉजिटिव में लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स रेड वायर था वो पॉजिटिव था, और नेगेटिव हमारा ब्लैक वायर था। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, हमने इसको इस प्रकार से इसके अंदर लगा लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे में एक और MDF बोर्ड का पीस है, उसको लगा लेते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये वाला पीस पे मैं पहले एक होल कर लेता हूँ, जिससे फ्रेंड्स हम IR LED को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें मैं फटाफट होल कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से जल्दी जल्दी से।
तो अब इस LED को इस MDF बोर्ड के इस होल में लगा देते हैं और इस प्रकार से इसको जल्दी जल्दी से चिपका देते हैं ग्लू गन के हेल्प से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसमें ग्लू गन लगा दिया है और इसको इस प्रकार से चिपका के मैं इसमें पैक कर दिया हूँ। इस प्रकार से इसको आप देख सकते हो। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सभी काम कंप्लीट हो चुका। फ्रेंड्स आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले फ्रेंड्स इसके ऊपर का जो एक आप ये पीस देख रहे हो, इसको इसके ऊपर ग्लू गन के हेल्प से इस प्रकार से लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, अब मैं इसको इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको चिपका दिया हूँ और फ्रेंड्स ये अच्छे तरीके से चिपक गया है। तो अब हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्रेंड्स ये 4017 IC है और ये इसके पिन आउट है। फ्रेंड्स ये 16 पिनों की IC है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक BC547 ट्रांजिस्टर लेना है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं BC547 ट्रांजिस्टर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ बना के। तो फ्रेंड्स ये BC547 ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का 3 नंबर वाला पिन 16 नंबर पे लगाना है और 1 नंबर वाला पिन 14 नंबर पे लगाना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको इसको पिन आउट दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स EBC एमीटर बेस कलेक्टर है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक IR LED चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया था वीडियो में नेगेटिव और पॉजिटिव है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स हमें इसके पॉजिटिव को बेस पे कनेक्ट कर देना है ट्रांजिस्टर के और नेगेटिव को 14 नंबर पिन पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। और अब हमें 14 नंबर के पिन से एक रेजिस्टेंस लेना है और उसे 8 नंबर पे पिन पे लगा देना है। और फ्रेंड्स ये हमारा रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें 4 नंबर और 15 नंबर के पिन को स्टेप से जम्पर वायर से कनेक्ट कर देना है। ये आपको पहले ही कनेक्ट करना था, वैसे फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दिया हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स 2 नंबर के पिन से आपको एक 1K का रेजिस्टेंस लगाना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक और BC547 ट्रांजिस्टर लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये EBC एमीटर बेस कलेक्टर है। फ्रेंड्स कलेक्टर को आपको 8 नंबर के पिन पे इस प्रकार से लगा देना है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, और बेस को आपको 1K के रेजिस्टेंस के साथ लगा देना है। और फ्रेंड्स इसके एमीटर वाले पिन को आपको रिले में कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए रिले के फ्रेंड्स ये 5 पिन है। तो फ्रेंड्स पहले पिन पर आपको एमीटर कनेक्ट करना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको 16 नंबर से एक और वायर लेना है और इसको आपको कनेक्ट कर देना है रिले के कोइलिंग वाले पिन पर। और इसके बाद जो फ्रेंड्स ये बीच वाली आप पिन देख रहे हो, यहाँ से हमें एक वायर लेना है और एक वायर फ्रेंड्स हमें यहाँ से इस टाइप से ले लेना है, जिससे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 230 वोल्ट AC करंट देंगे। यहाँ पे हम LED बल्ब लगाएंगे या फिर आप जो भी आपको इक्विपमेंट चलाना है वो लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं BC547 लिख देता हूँ, जिससे फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको वीडियो में सर्किट डायग्राम समझ नहीं आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए हमारा लगभग सभी वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें पावर देंगे। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 8 नंबर के पिन से एक वायर ले लेता हूँ, जो कि फ्रेंड्स हमारा बैटरी का नेगेटिव वायर होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे 16 नंबर से एक वायर ले लेता हूँ, जो कि फ्रेंड्स हमारा बैटरी का पॉजिटिव होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक बैटरी भी बना के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स आपको ये सर्किट डायग्राम कैसा लगा आप मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक होल्डर और एक प्लग का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और इसके मैंने एक वायर को कट कर दिया है। और जो फ्रेंड्स प्लग का वायर है उसमें मैं ग्रे वाला वायर कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें ग्रीन वाला वायर कनेक्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स इसे पावर देने के लिए यहाँ पे मैं 12 वोल्ट 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का अडेप्टर का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर 2 से 2.5 एम्पियर तक का यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स मैंने इसे बोर्ड में लगा दिया है और यहाँ पे मैं एक बल्ब लगा देता हूँ। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी फास्ट मैंने कर दी है, तो फ्रेंड्स इसको मैं अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसे सेट कर दिया। तो फ्रेंड्स अब देखिए कि कितने अच्छे तरीके से फ्रेंड्स वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हो एक क्लिक में फ्रेंड्स बल्ब ऑन हो जा रहा है और एक क्लिक में ऑफ हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसकी हेल्प से अपने इक्विपमेंट बल्ब या फैन को आराम से यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दूसरा रिमोट से भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे हर प्रकार का रिमोट काम करेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो ज़रा सा भी फेक नहीं है, तो प्लीज़ इसे फेक मत बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।